तुम्हें क्या बताएं, तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही रास्ता हो। अगर हम बनाते रेशियो प्रपोर्शन, मेरा भी सिलेक्शन होता सिलेक्शन। मेरे भाई छोटे बड़े मैं सबको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ गाना के माध्यम से आपको कि अगर आप अच्छे से बनाएंगे, सारे के सारे मैथ बनाएंगे और थोड़ा टाइम देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अभी अभी पता है आपको, फिलहाल में ही बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का रिजल्ट निकला हुआ है, तो मेरी पड़ोस की भी एक सिस्टर है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है। और आपके अंदर भी ये होनी चाहिए, आपके आस पड़ोस का रिजल्ट देख के आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिना मेहनत का हो जाए तो फिर आप समझ ही रहे हैं, बिना मेहनत के तो आपकी परछाई भी नहीं बनती, तो और ये तो बिहार दरोगा या फिर कोई भी सिलेक्शन की बात है भाई। तो चलिए आज हम देखते हैं रेलवे लुसेंट मैथ का थ्योरी पार्ट टू है, कौन सा चैप्टर, तो ये है आपका अनुपात और समानुपात। आपको अगर किसी भी तरह का समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करना, और वैसे मैं जो बताने वाला हूँ, मेरे जितने भी नए वीडियो आएंगे उसमें मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट तरीके से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके सामने ये थ्योरी पार्ट टू है, थ्योरी पार्ट वन भी अपलोड हो रखा है, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा रेलवे लुसेंट मैथ का, ध्यान रहे यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ रेलवे लुसेंट मैथ का। तो ए अनुपात बी, यहाँ पे दे रखा है आपको 4:5, उसके बाद दे रखा है आपको बी अनुपात सी, यहाँ पे दे रखा है 3:4, और आप देखेंगे आपसे मांगा जा रहा है क्या ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो ए अनुपात बी, बी से यहाँ पे लास्ट हुआ और यहाँ पे बी से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बड़ा छोटा लिख दिया तो कोई नहीं, आप बड़ा छोटा मतलब दोनों का दोनों जो है एक ही है, उतना कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी से लास्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको इसके लिए मैं दो तरीका बताऊंगा कि इसको सोल्व कैसे करना है, एबीसी कैसे निकालना है और फिर फास्ट कैसे करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसी लिख लीजिए, क्या करना है आपको एबीसी लिख लेना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिए, यहां पे लिख लिए। अब यहां पे इसका वैल्यू पुट करते हैं, देखना कैसे करूंगा। ए अनुपात बी कितना दे रखा है 4:5, तो इसके सामने मतलब इसके नीचे लिखो 4:5 लिख लिया। अब देखो बी अनुपात सी कितना दे रखा है 3:4, तो बी के ठीक नीचे देखो यहाँ पे 5 लिखे हो, 5 के ही नीचे लिखो, क्या लिखना है 3:4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो सारा वैल्यू जो है हमारा सेट हो रखा है, आप देखोगे तो यहाँ सारा वैल्यू सेट है कैसे, तो आप देखो ए अनुपात बी कितना है 4:5 है ना, बी अनुपात सी 3:4, देख लो बी 3 सी 4, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां से आपको करना क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ जो ये 5 है तो 5 के आगे का जो एरिया ये दिख रहा है, यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स बना दे रहा हूँ खाली जगह, और इधर बी के पीछे जो ये बॉक्स दिख रहा है इधर, ये पूरा का पूरा एरिया को फिल करना है, लेकिन भरना क्या है। तो देखो इसके पीछे 5 के पीछे तो 4 है, तो 4 के यानी यहां तक तो इसका दबदबा रहेगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं बस, 5 का दबदबा किधर रहेगा आगे की ओर, तो यहां पे फिल कर दो 5 आगे की तरफ 5, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी इधर 4 है, खाली किधर है इसके तरफ 3 के तरफ, तो यहां पे 3 भर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। अब जो है देखो क्या करना, अब गुना कर लो 4×3=12 अनुपात, ये हो गया 15 अनुपात, इसको गुना करो 20 आपका। अगर ये अब अभी भी कटता है आपस में तीनों में, अगर कोई अंक से कटता है तो इसको काट देना, अगर नहीं कटता तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका एबीसी का अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी, वो है 12:15:20। अगर आपको बोलता एसी का अनुपात बताओ
तो 20, ये 12 अनुपात 20 और छोटा कर सकते हो। अगर आपको यहीं पे बोल दे कि ठीक है हमें बता दो सी ए का अनुपात कितना है, तो 20:12। एक तरीका तो हमारा ये था, अब देखते हैं हम दूसरा तरीका इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए जस्ट देखते हैं दूसरा सेकेंड वे में क्या करना पड़ेगा। बस वैसे ही एबीसी लिखना है, ए लिख लिया, अनुपात बी लिख लिया, उसके बाद अनुपात सी लिख लिया। अब इसका जो भी वैल्यू है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, तो 4:5 दे रखा है, लिख दिया। फिर है यहाँ पे बी अनुपात सी कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है हमें 3:4, तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है 3:4, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देखो, बस यहाँ से थोड़ा सा बदलाव होगा। देखो आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एबीसी का अनुपात निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 12, कितना आएगा 12, उसके बाद अनुपात, और फिर क्या करना है हमें, ये बीच वाला, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ठीक है। तो इसको जैसे ही करूंगा तो ये हो गया हमारा 15। फिर से क्या करना है हमें, ये वाला अनुपात ले लो, इसको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको जैसे ही करूंगा मैं तो ये हो गया हमारा अनुपात 20। तो देखो हमारे पास वही आएगा मिलके, ठीक है, बात समझ में आया। तो देखो अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, बात को समझना थोड़ा अच्छे से, एक बार फिर बता रहा हूं, ये तरीका तो हो गया, आप ऐसे लिख के बस पहला स्टेप लिख देता हूं, ये हो गया पहला स्टेप आपको ये ऐसे क्रॉस लेना है। दूसरा स्टेप आपको ये हो गया सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप आपका ये हो गया, ठीक है, आपको ऐसे करना। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो बस तीसरा भी तरीका आपके लिए निकाल के लाया हूं, बिल्कुल निचोड़ करके लाया हूं। तो देखो तीसरा तरीका क्या है, यहां पे देखो तीसरा तरीका में हमें करना क्या पड़ेगा। तो यहां पे ए अनुपात बी, मतलब संख्या वही लिया हूं मैं, क्वेश्चन वही है, बस तीसरा तरीका समझना है हमको। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहां जब देखेंगे ए अनुपात बी, और यहां पे जो दूसरा वाला स्टार्ट होता है बी से ही स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए अनुपात बी, ठीक है, देखना लिखने का तरीका। उसके बाद ये जहां से खत्म हो रहा है वहीं से आपको ये जो बी है क्रॉस, मतलब यहां पे ठीक नीचे ए के नीचे ये बी होना ही चाहिए, ये कोना कोनी, तो यहां पे लिखना है आपको बी अनुपात सी, ऐसे लिख लिया। बस यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो बी है इसके ये कोना पे ये दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, सेम लिखना पड़ेगा आपको। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो ए अनुपात बी बराबर 4:5 दे रख, मतलब 4:5 दे रखा है, और यहां पे क्या करे आपको ऐसा बोल दे सी अनुपात बी बराबर 4:3, तो यहां पे तो बी के बाद यहां पे बी स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा आपको लिखने के लिए, मतलब ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी अनुपात बी को बी अनुपात सी लिख देना, और इस अनुपात को पलट के लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखो अब यहां पे आपने जैसे लिखा सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। चलो इसके डाटा को लिखते हैं, डाटा को मैं जैसे ही लिखूंगा ए अनुपात बी कितना है, तो ए अनुपात बी यहां पे लिखता हूं, ए अनुपात बी है 4:5, डन, ठीक है। उसके बाद बी अनुपात सी कितना है, ये ध्यान रहे ये जो बी है इसके नीचे, मतलब यहां पे ए के नीचे यहां पे जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है, तो यहां भी हमें बी का ही वैल्यू लिखना है, तो बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3:4 यहां पे 3 ही आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है सी अनुपात बी दिया हुआ, तो मतलब ऐसा हो सी अनुपात बी दिया हुआ तो आपको पलट के लिख देना है, बट हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा अगर यहां पे बी है तो यहां भी बी, अगर यहां पे सी है तो यहां भी सी, अगर यहां पे डी है तो यहां भी डी, ये दोनों सेम होना चाहिए, सवाल के माध्यम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हो गया हमारा 3:4। अब क्या करना है, अब देखो यहां पे हमें सॉल्व करना है कैसे, एक वैल्यू, एक मतलब ये सिंबल याद रखो, एक ये डंटा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, बोले तो ये क्या है, ये है उल्टा n, ये क्या है, ये है उल्टा n, ठीक है। अब देखो हमें यही चीज यहां पे फॉलो करना है, क्या करना है हमें, यही चीज यहां पे फॉलो करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो फॉलो करता हूं। तो ये हो गया पहले ऐसे करना है, तो ये हो गया हमारा 12, फिर अनुपात ए हो गया,
अब जो मिलेगा हमें ये हमें बी देगा, क्या देगा हमें, ये हमें बी देगा, माफ करना उल्टा एन करना है, मैंने ये सीधा एन कर दिया, उल्टा एन करना है। तो देखो डंटा तो ऐसे ही रखना है, ये रहा डंटा, अब बस मतलब ये दोनों डंटा तो ऐसे ही रखना है, बस इस डंटे को पलट दो, हो गया उल्टा एन, का है इतना टेंशन, ठीक है। अब ऐसे ठीक है, तो ये हो गया 15, और फिर ये डंटा, तो ये हो गया कितना 20। देखो फिर से हमें वही मिला, ये तीसरा तरीका था। आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उन तरीका को अपना लेना, लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा उल्टा एन, क्या उल्टा एन, और इसको आपको समझना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, इसको याद रखना पड़ेगा और फिर ये आपका फॉलो हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं कुछ अगले सवाल की ओर। अगर ये क्या हो, अनुपात इससे भी ज्यादा दे रखा हो, 1:2, अगर 3:3 अनुपात दे रखा हो तो कैसे करेंगे। अगला सवाल से समझते हैं, देखिए यहाँ पे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें 3:3 डाटा है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी ये है आपका 4:5, सी अनुपात डी ये है आपका 6:7। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको 3:3 तरीका बताया हुआ है, लेकिन जो पहला तरीका था वो आपका बेस्ट तरीका था। कैसे लिखना है हमें, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे क्या करना है, जितना भी इसका वैल्यू है सबको छाप डालो। कैसे छापना, तो देखो ए अनुपात बी कितना है, तो 2:3 है, छाप डालो। और क्या करना है, बी अनुपात सी कितना है, तो बी अनुपात सी है आपका 4:5, तो देखो बी के जगह 4 लिखना, ये बी की जगह ही 4 लिखना, कहीं और मत लिखाना। पता चला आपने पड़ोसी के यहां लिख दिया तो फिर यार लफड़ा हो जाएगा यार। उसके बाद है सी अनुपात डी, तो सी की जगह 6 लिखो और डी की जगह 7 लिखो, तो चलो 6 हो गया और ये हो गया, डी की जगह 7 हो गया। अब हो गया अपना काम, अब करना क्या हमें, तो देखो यहाँ पे हमारा जो बाकी का जो स्पेस खाली है ना, उस स्पेस में खाली जगह की पूर्ति करो, बचपन से पढ़े हो ना, खाली जगह की यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो सी वाला प्लेस डी वाला प्लेस खाली है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ डी वाला प्लेस खाली है। अब इधर पीछे की बात करो, देखो पीछे में यहाँ पे ए का प्लेस खाली है, उसके बाद पीछे में यहाँ पे बी का प्लेस खाली है और यहाँ पे ए का प्लेस खाली है। इन जगहों की आपको पूर्ति करना है, लेकिन भरोगे क्या, अरे क्या भरोगे, तो देखो क्या भरना है। यहाँ पे देखो ये भरा हुआ है 3, यहाँ पे 3 है, तो बाकी आगे आगे मतलब आगे का जो पावर होगा ये 3 का ही होगा, मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे 3 छाप दो। अगर यहाँ 4 होता तो 4 भरते, 5 होता तो 5 भरते। अब इसका मतलब ये नहीं करना कि यहाँ पे 5 है तो इधर 5 भरो, ऊपर नहीं, बस आपको बाएं से दाएं की तरफ चलते जाना है भरते हुए। तो देखो यहाँ भी 3 भरूंगा। अब देखो यहां भरना है, तो यहां इधर तो कोई है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर वाला ये जो 4 है इसको भरूंगा। अब यहां पे क्या फिल करना है, तो यहां पे फिल करने के लिए हमें देखो यहां पे इसके पीछे 5 है, तो 5 को फिल कर दो, ठीक है। यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे और यहां पे इसमें क्या आना है, तो क्लियर सी बात है 6 आएगा, कौन आएगा 6 आएगा, यहां भी 6 आएगा और यहां भी 6 आएगा, बस ये फिल कर लो आप। उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई कर लो आपस में, और मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो देखो कितना हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे एक कट भी कर सकते थे, लेकिन बेटर रहेगा कि आप मल्टीप्लाई करें लो। तो ये हो गया 6×6=24, 2×9=48 हो गया। फिर इसको करो 12×6=72, इसको करो ये हो गया 6×5=30, 3×9=90 हो गया, एंड इसको करो 15×7=105 वर्ष हो गया। अब आपको अगर यहाँ पे कहे ये हमारा अनुपात निकल चुका है, ए बी सी डी का अनुपात बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन से सारे लोग कट हो रहे हैं, तो 3 से सबको एक बार, मतलब जितना बार भी कटे उतना बार काट देना है, तब तक काटते रहना जब तक कि ये चारों के चारों ये ना बोल दे अब नहीं काटूंगा मैं, तो उसके बाद इसको रोक देना है, ठीक है। अगर आपसे ऐसा बोल दे कि ए अनुपात डी निकालो, तो ए अनुपात डी निकाल दो, ये रहा ए का अनुपात, ये रहा डी का अनुपात, इसको काट के और छोटा कर दो तो ए अनुपात डी निकल जाएगा। अगर बोल दे बी
अगर आपको ऐसा कहे कि ठीक है हमें ए अनुपात सी बताओ, तो ये रहा ए का अनुपात, ये रहा सी का अनुपात, तो इनको कट करके लिख दो, तो ये हो गया ए अनुपात सी। और अब जो है यहाँ पे आप सीख चुके हैं कि आपका अगर रेशियो दे तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैन थ्योरी हमें यही बताना था, और बाकी का जितना भी थ्योरी आपको मैं बताऊंगा वो सवाल के माध्यम से वन बाय वन करके आपके सामने अब आते रहेंगे। और बाकी इसका अगर सेकेंड प्रोसेस की बात करो तो सेकेंड प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं उसको बताना नहीं चाहता उसको, और ये वाला प्रोसेस आपके लिए इजी रहेगा और इसको आपको सीखना चाहिए, यही वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना, मैं सेकेंड प्रोसेस भी बता दूंगा, तो वहां पे थोड़ा आपके लिए टफ होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के साथ। सो आप बुक लेके एंड कॉपी पेन लेके रेडी रहना, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी कर देना।